आपको लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग विला की तरफ। अल्ट्रा लग्जरी विला रहने वाला है, स्पैनिश लुक के साथ तैयार किया गया है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आपको बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। इसके अंदर आपको मिनी थिएटर भी मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर ओपन बार मिलने वाला है, वो भी रूफ टॉप पे, जिसे बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार किया है। तो गाइज अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो जीरकपुर में आपका गुरुद्वारा श्री नाभा साहिब जी के जस्ट नियर ही आपके विलाज आ जाते हैं। इसके अंदर आपको 42 विलाज मिल जाएंगे। अगर मैं पूरे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो 2 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें काफ़ी अच्छी ग्रीनरी आपको मिल जाती है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ तो इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे आर्किटेक्ट ने तैयार किया है। मतलब उन्होंने पूरी जितना भी उनका एक्सपीरियंस था लाइफ का, वो सारा इस विला को बनाने में उन्होंने यूज़ किया है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो चलते हैं हमारे विला की तरफ। अब हम आ चुके हैं हमारे विला के मेन एंट्रेंस पे। आप देख सकते हो काफी अच्छा आपको यहाँ पे जो है गेट मिल जाता है, फुली गेटेड सोसाइटी है, डुअल एंट्री आपको मिल जाती है, और आप देख सकते हो काफी स्पेशियस आपको पार्किंग स्पेस भी यहाँ पर मिल जाता है। प्लस अगर मैं हमारे विला के साइज की बात करूँ तो 4000 स्क्वायर फीट का आपका ये विला रहने वाला है। इसमें आपको बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, प्लस रूफ टॉप का काफी अच्छा जो है कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। सो अब हम इसके एलिवेशन की बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि स्पैनिश लुक में इसको तैयार किया है। आप एक बार ज़रा नज़र घुमाइए, कितनी अच्छी तरीके से जो है इसकी जो है प्लानिंग की गई है, एलिवेशन को तैयार किया गया है। अगर आप पेंट की बात करें वो भी बहुत अच्छा चूज़ किया गया है, ग्रेनाइट का भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है स्टेयर्स के लिए। एंट्रेंस ही इतनी रॉयल तरीके से जो है इन्होंने बनाई हुई है। सो अब हम चलते हैं हमारे विला के अंदर। सो विला के अंदर एंटर करने के लिए आपको काफ़ी अच्छी स्टेयरकेस मिल जाती है, ग्रेनाइट मार्बल के साथ रहने वाली है। प्लस यहाँ पर आपका जो है काफ़ी अच्छा वुडन का डोर आ जाता है, डिजिटल लॉक के साथ रहने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस वुडन के डोर को जो है तैयार किया गया है। सो हमारे विला के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों विला के अंदर एंट्री करते हैं, सबसे पहले आपका फॉयर एरिया आ जाता है। अब आप एक बार फॉयर एरिया को देखिए, लाइक कितनी ब्यूटीफुली जो है इसको तैयार किया है। गोल्डन कलर का यहाँ पे जो है वुडन पे काम किया हुआ है, ग्रेश थीम के साथ तैयार किया हुआ है। अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग तैयार की है, वुडन टच के साथ रहने वाली है। लाइटनिंग की बात करूँ तो मेटल लाइट्स का बहुत ही अच्छा यूज़ किया है, जो आपकी फॉल सीलिंग को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। सो गाइज इस विला के अंदर आपको बहुत ही अच्छा जो है आपकी पर्सनल लिफ्ट मिलने वाली है। आप देख सकते हो इन्होंने हर वॉल को बहुत ही ब्यूटीफुली जो है डिज़ाइन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे जो है फैंसी शैंडलियर यहाँ पे लगाया है, ताकि आपका जो एलिवेटर का जो एंट्रेंस है वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। सो अब हम चलते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। सो यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है। आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस रहने वाला है। यहाँ पर 6 सीटर जो है डाइनिंग टेबल लगाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये आपको एज इट इज़ यहाँ पर मिलने वाला है। प्लस यहाँ पर भी इन्होंने बहुत प्यारी सेटिंग अरेंजमेंट की है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी बहुत प्यारी तरीके से अपनी जो है टी या कॉफ़ी इन्जॉय कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सी जो है लैम्प यहाँ पर लगाया गया है, बहुत अच्छा लुक आपकी इस वॉल को दे रहा है। प्लस यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी जो है विंडो मिल जाती है, जहाँ से आपको प्रॉपर वे में जो है आपके किचन प्लस डाइनिंग एरिया में लाइट एंड वेंटिलेशन मिलने वाली है। सो फ्रेश एयर आपको प्रॉपर वे में मिलेगी। अगर मैं बात करूँ सो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी यहाँ पर ब्यूटीफुल सी पेंटिंग लगाई हुई है, 3 पीस लगाए हुए पेंटिंग के, एंड AC की डक्टिंग आपको मिलने वाली है। फॉल सीलिंग की बात करूँ सो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिच लुक के साथ हमारी फॉल सीलिंग को तैयार किया है, लाइक गोल्डन थीम के साथ हमारी जो है फॉल सीलिंग को तैयार किया है। सेंटर में आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा शैंडलियर लगाया है, जो आपकी फॉल सीलिंग को और भी ज़्यादा रिच लुक दे रहा है। सो अब हम चलते हैं हमारी फुली मॉडर्न किचन की तरफ। तो यहाँ पर हमारी किचन आ जाती है। किचन भी आपको एज इट इज़ मॉडर्न डिज़ाइन के साथ मिलने वाली है, जितनी भी एक्सेसरीज है वो आपको एज इट इज़ मिलेगी।
अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी खूबसूरत सा जो है टाइल वर्क आपको मिल जाता है, वुडन का काफी अच्छा काम किया गया है, साथ ही साथ काफी अच्छे हाइड्रोलिक कैबिनेट्स मिल जाते हैं आपको दोनों ही साइड, डबल सिंक मिलने वाला है, प्लस लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर वे में आपको विंडो मिल जाती है जहाँ से आपको नेचुरल लाइट जो है आपके किचन के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर आपका माइक्रोवेव एंड ओवन के लिए अलग से स्पेस आपको मिल जाती है, ये आपका पेंट्री एरिया रहेगा। सो गाइज, आपको स्पेस की कोई भी कमी नहीं रहने वाली आपके किचन के अंदर। और यहाँ पर आपका जो है डबल डोर का रेफ्रिजरेटर आ जाता है, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा लाइक फुली फर्निश्ड एक तो ये विला है, इसके अंदर आपको हर एक चीज मिलने वाली है जो भी आप देख रहे हैं। किचन में भी बहुत ही ब्यूटीफुली जो है फॉल सीलिंग को तैयार किया हुआ है, काफी अच्छे लैंप्स लगाए गए हैं ताकि आपकी किचन जो है और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। सो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो गाइज, सबसे पहले तो इस बेडरूम को देखते हैं मेरे मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकल रहा है, वो है वाओ, क्योंकि इतनी खूबसूरती के साथ आर्किटेक्ट ने इसको तैयार किया है। एक एक चीज यहाँ पर जो इंटीरियर डिजाइनर है बहुत ही ब्यूटीफुली जो है एक एक चीज को यहाँ पर लगाया है, उस डिजाइन को प्रिपेयर किया है। सो अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट यहाँ पर हमारा LED पैनल आ जाता है, कुशन का काफी अच्छा वर्क किया हुआ है, सो बहुत ही ज्यादा लैविश लुक में आपका जो है LED पैनल रहेगा। स्टोरेज के लिए काफी अच्छे ड्रॉर्स आपको मिल जाते हैं, हमारे कृष्ण जी की बहुत ही प्यारी जो है मूर्ति आ जाती है। अगर मैं बात करूँ हमारे इस वॉल के, सो यहाँ पर POP का काफी अच्छा वर्क किया हुआ है, पेंटिंग यहाँ पे लगाई है। अगर आप चाहो तो आप भी कोई अगर पेंटिंग अपनी लगाना चाहते हो या फोटोग्राफ लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। सो अब हम बात करते हैं हमारे बेड बैग की। सो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली जो है इन्होंने ग्रूव्स का काम किया हुआ है जो आपके बेड बैग को बहुत ही प्यारा लुक दे रही है, प्लस कुशंस का काफी अच्छा वर्क किया हुआ है। अगर मेरे जस्ट साइड में आप देखेंगे ना, वहां पे ब्लैक टाइल्स का काफी अच्छा यूज किया है, ग्लॉसी टाइल्स है, सो एक लाविश लुक दे रही है आपके इस बेडरूम को। साइड में काफी अच्छे टेबल्स आपको मिल जाते हैं स्टोरेज के लिए। फॉल सीलिंग की बात करूँ, बहुत ही प्यारी एलिगेंट सी यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, जिसपे काफ़ी अच्छी फोकस लाइट का यूज़ किया हुआ है, कवर लाइट्स लगाई गई है ताकि आपकी जो फॉल सीलिंग है वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट रूप से आपके सामने आए। सो यहाँ पर हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है, आप देख सकते हो ब्लैकिश थीम के साथ हमारे इस वॉशरूम को तैयार किया गया है। काफी प्यारी सी आपको जो है वैनिटी मिल जाती है बहुत ही अच्छे और प्यारे डिजाइन के साथ। सो गाइस, यहाँ पर आपकी वार्डरोब आ जाती है, ग्लास वर्क के साथ आपकी वार्डरोब रहने वाली है, काफी स्पेशियस रहेंगे आपके वॉशरूम के अंदर, आपको आपके वार्डरोब मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपका शावर एरिया रहेगा, प्लस यहाँ पर आपका ग्लास पार्टीशन आ जाता है, सेंटर में आपकी जो है सीट आ जाएगी, फ्रंट पे आपका जो है वैनिटी रहने वाला है। बहुत ही प्यारे तरीके से हमारे वॉशरूम को तैयार किया हुआ है, इवन आपको वॉशरूम के अंदर भी काफी अच्छी फॉल सीलिंग मिल जाती है वुडन टच के साथ। सो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमें एक काफी अच्छा डोर मिल जाता है जो आपको आपके बैक यार्ड से जो है कनेक्ट करता है। सो गाइस, ये आपका बैक यार्ड आ जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है, आप चाहो तो इसको अपने तरीके से जो है यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना वॉशिंग एरिया क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपना बहुत प्यारा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हो, या प्लांट्स वगैरह भी लगा सकते हो अगर आपको ग्रीनरी का बहुत ही ज्यादा शौक है तो। गाइस, ये देखा आपने हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब हम चलते हैं हमारे बेसमेंट की तरफ। सो गाइस, यहाँ पर वुडन की आपको बहुत ही प्यारी स्टेयर्स मिल जाती हैं जो आपके इस विला को एक लग्जरी कॉन्सेप्ट के साथ जो आपके सामने पेश करती है। सो गाइस, अब हम हमारे बेसमेंट में आ चुके हैं, बेसमेंट में आपको जो है ड्राइंग एरिया मिल जाता है, बहुत ही प्यारी सिटिंग आपको मिल रही है, लाइक यहाँ पर 8 सीटर जो है सोफा लगाया गया है, बहुत ही प्यारा स्टाइलिश सा आपको जो है सेंटर टेबल मिल जाता है जो आपके ड्राइंग रूम को और भी ज्यादा क्रिएटिव लुक दे रहा है। आप देख सकते हो साइड में यहाँ पर बहुत ही प्यारी तरीके से जो है हमारे वुडन स्टेयर्स को तैयार किया है प्लांट्स के साथ। सो गाइस, अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से हमारी फॉल सीलिंग को तैयार किया हुआ है, इसमें काफ़ी अच्छी फोकस लाइट एंड कवर लाइट्स का यूज़ किया है, एक यूनिक सा डिज़ाइन जो है यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि आपके ड्राइंग एरिया को एक रिच लुक मिल सके। साइड में आपको काफ़ी अच्छा फ्लावर पॉट भी मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो इसी तरीके से और भी अगर आप फ्लावर पॉट लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं गन की कलेक्शन यहाँ पर रखी गई है, सो अगर आप चाहो तो इसी तरीके से आपको भी कुछ डिज़ाइन करना हो तो आप कर सकते हो, प्लस यहाँ पर कुशन का काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है। सो अब हम आ चुके हैं हमारे थिएटर की तरफ, यहाँ पर आपका मिनी थिएटर आ जाता है, लाइक आप यहाँ पर जितनी भी मूवीज है अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर इंजॉय करने वाले हो। बहुत ही एलिगेंट तरीके से हमारे
थिएटर को तैयार किया हुआ है। सोफा आप देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सोफा सेट लगाया गया है। कलर कॉम्बिनेशन काफी ब्यूटीफुल यहाँ पे चूज किया गया है। अगर मैं बात करूँ फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग को बहुत ही यूनिक स्टाइल के साथ तैयार किया हुआ है। लाइक मेटल लाइट्स लगाई गई है, प्लस साइड में दोनों ही साइड आपको बहुत ही प्यारे फैंसी शैंगलियर्स मिल जाएंगे, ताकि आपका जो थिएटर है वो और भी ज्यादा लाविश लगे। अब हम चलते हैं हमारे इस सिटिंग एरिया की तरफ। यहाँ पर भी आपका थिएटर का जो है सिटिंग एरिया आ जाता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अकेले मूवी एंजॉय करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। वुडन फ्लोरिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, प्लस साइड में ही आपका बहुत ही प्यारा बार एरिया आ जाता है। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ वुडन के साथ, एंड ग्रेश थीम इसका चूज किया गया है। स्टैचू बहुत प्यारा यहाँ पर लगाया गया है। कलेक्शन आप देख सकते हो, बहुत अच्छी कलेक्शन यहाँ पे रखी गई है वाइन की। अगर फॉल सीलिंग की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लुक के साथ हमारी फॉल सीलिंग को तैयार किया हुआ है। एक और चीज, पेंटिंग की बात करूँ ना गाइस, तो इस पूरे विला के अंदर आपको इतनी खूबसूरत पेंटिंग मिलने वाली है। मतलब हमारे आर्किटेक्ट ने ना, हमारे जो पेंटर्स है ना, उनकी शोभा को बढ़ाया है इस घर के अंदर वो सारी पेंटिंग्स लगाकर, उनकी कला को एक बहुत ही प्यारा रूप दिया है। अब हम यहाँ पर हमारे वॉशरूम में आ चुके हैं। आप टाइल वर्क देख सकते हो गाइस, बहुत ही प्यारा ग्लॉसी टाइल आपको मिल जाता है। शाइन काफी अच्छी है, लाइक लगता है सालों साल इसकी शाइन कहीं पे भी नहीं जाएगी। यहाँ पर आपकी वैनिटी रहेगी, यहाँ पर आपका सीट आ जाता है। अगर आप मूवी एंजॉय वगैरह कर रहे हो उसके बाद अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आप नीचे ही वॉशरूम यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। गाइस ये देखा आपने हमारा बेसमेंट, अब हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए आपको लिफ्ट प्लस आपको स्टेयरकेस मिल जाती है। अगर मैं स्टेयरकेस की बात करूँ, ग्रेनाइट मार्बल का काफी अच्छा वर्क किया गया है, साथ ही साथ स्टेनलेस स्टील का काफी अच्छा आपको वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक चीज आप ध्यान में देखिए, आपको यहाँ पर काफी अच्छा जो है कॉन्सेप्ट मिल रहा है, आपके बच्चों की सेफ्टी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, सेफ्टी भी यहाँ पर आपकी आ जाती है, प्लस आपका एक डिजाइन भी आपको मिल जाता है आपके स्टेयरकेस में। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही प्यारी पेंटिंग भी लगाई गई है। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर काफी अच्छी आपको विंडो मिल जाती है, प्लस स्टेयर्स तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा रिच लुक के साथ आपकी स्टेयरकेस आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा ट्री का कॉन्सेप्ट लगाया गया है, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है इस वॉल को और आपके एंट्रेंस को। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा सेकेंड बेडरूम आ जाता है। आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा लैविश लुक में इसको तैयार किया हुआ है, वुडन का काफी अच्छा काम किया गया है। आप देख सकते हैं कवर लाइट्स काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज की गई है। अगर मैं हॉर्स की बात करूँ, हॉर्स को ना एक तरीके से ना वास्तु के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही प्यारी पेंटिंग जो है हॉर्स की लगाई हुई है। एसी की डक्टिंग आपको मिलने वाली है। फॉल सीलिंग की बात करूँ, बहुत ही प्यारी सी फॉल सीलिंग मिलती है कवर लाइट के साथ। एंड यहाँ पर हमारा LED पैनल का जो है एरिया आ जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर काफी अच्छा वुडन का काम किया गया है, ग्रेज थीम चूज किया हुआ है। इधर आप देखो यहाँ पर बहुत ही प्यारा वुडन का काम किया हुआ है, जो आपके LED पैनल को एक बहुत ही एलिगेंट जो है लुक दे रहा है। स्टोरेज की बात करूँ तो काफी अच्छे ड्रॉज मिल जाते हैं, ब्लैकिश थीम के साथ हमारे ड्रॉज को तैयार किया है। यहाँ पर आपका बहुत ही प्यारा लैम्प आ जाता है, जो आपके इस पूरे बेडरूम को जो है ऑल ओवर एक रिच लुक दे रहा है। अब हम चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। यहाँ पर आपका अटैच वॉशरूम आ जाता है, ग्रेज थीम के साथ तैयार किया हुआ है। आप देख सकते हो ग्रेज थीम के साथ तैयार किया गया है, और बहुत ही प्यारी ग्लॉसी टाइल्स यहाँ पे यूज की गई है। वैनिटी की बात करूँ, काफी अच्छी सी आपको यहाँ पे वैनिटी मिल जाती है, स्टोरेज के लिए ड्रॉर्स मिल जाते हैं, सेंटर में आपकी सीट आ जाती है, और यहाँ पर आपका शावर एरिया आ जाता है, और लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर वे में आपको विंडो मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ हमारे वार्डरोब्स की, तो ग्लास वर्क के साथ आपकी वार्डरोब्स आएंगे। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी और सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपकी जो है वार्डरोब्स रहने वाली है। फॉल सीलिंग यहाँ पर भी आपको काफी अच्छी से मिल जाती है कवर लाइट के साथ। यहाँ से भी आपको बहुत ही प्यारी सी जो है एक बालकनी मिल जाती है। यहाँ पर आपकी बालकनी आ जाती है, आप देख सकते हो लाइट एंड वेंटिलेशन नेचुरल वे में मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल रही है, प्लस व्यू आप बहुत अच्छा यहाँ से इंजॉय करने वाले हो। एंड सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छा आयरन का यहाँ पे वर्क आपको मिल जाता है, डिजाइन भी काफी अच्छा चूज किया गया है। सो गाइस ये देखा आपने हमारे फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। सो गाइस इस बेडरूम का थीम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तरीके से चूज किया गया है,
वैसे तो हर बेडरूम का, हर वॉशरूम का, पूरा ऑल ओवर विला का जो डिजाइन है बहुत डिफरेंट डिफरेंट थीम के साथ तैयार किया हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो वुडन का काफी अच्छा यहाँ पर आपको जो है काम मिल जाएगा, जिसमें बहुत ही प्यारा गोल्डन वर्क किया गया है। साइड में काफी अच्छी जो है आपको वुडन का वर्क मिल जाता है ब्लैकिश थीम के साथ। आप देख सकते हो किंग साइज बेड लगा हुआ है, उसके बावजूद भी काफी अच्छी मूविंग स्पेस है। साइड में बहुत ही प्यारे टेबल्स लगाए गए हैं, लैंप लगाए गए हैं, एंड अगर हम बात करें हमारे एलईडी पैनल की, तो पूरे वुडन लुक के साथ इस वॉल को, एलईडी पैनल को जो है तैयार किया हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी फैंसी लाइट्स लगा सकते हो, ताकि आपका जो ये एलईडी पैनल है और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। सो लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आपको यहाँ पर काफी अच्छी विंडो मिल जाती है, लाइक व्यू आपको प्रॉपर मिलने वाला है, लाइट एंड वेंटिलेशन मिलने वाली है। मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो आपको बहुत ही प्यारा व्यू मिल जाता है। प्लस यहाँ से भी आपकी फ्रंट की बालकनी आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी बालकनी आ जाती है। लाइक मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर ये मेरा विला होगा तो मैं इसके अंदर बहुत ही प्यारे तरीके से सुबह उठ के और इवनिंग में जो है चाय एंजॉय करने वाली हूँ और व्यू एंजॉय करने वाली हूँ। सामने का जितना भी व्यू है वो सारा ग्रीन एरिया रहने वाला है, और 18 एकड़ का हमारा जो है स्पोर्ट्स एरिया आ जाता है। इंटरनेशनल गेम्स होने वाले हैं आने वाले टाइम में, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल गेम्स ही होंगी। जो हमारा एरिया रहेगा प्रॉपर वे में आपको जो है फ्रेश एयर मिलेगी, ठीक है, पॉल्यूशन से दूर रहेंगे आप बहुत ज़्यादा। सो गाइज, ये आपने हमारी बालकनी देखी, अब हम बात करते हैं हमारे इस बेडरूम की फ्लोरिंग की। सो यहाँ पर आपको वुडन की काफ़ी अच्छी जो है फ्लोरिंग मिल जाती है, शाइनी वुडन जो है फ्लोरिंग यहाँ पर लगाई गई है। अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ, मेटल लाइट्स के साथ जो है हमारी फॉल सीलिंग को तैयार किया हुआ है, कवर लाइट्स लगाई गई है, एक यूनिक सा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बनाया गया है, ताकि आपका जो ये बेडरूम है जितना खूबसूरत है उससे ज़्यादा उसकी खूबसूरती बाहर आए। सो यहाँ पर आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, आप देख सकते हो ग्लास वर्क के साथ आपके वार्डरोब रहने वाले हैं, स्पेशियस रहेंगे और काफ़ी अच्छा वर्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो यहाँ पर भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। यहाँ पे टू टाइप ऑफ टाइल्स जो है यहाँ पे लगाई गई है, ग्लॉसी टाइल्स है, बहुत ही प्यारी जो है टॉप से लेकर एंड तक की टाइल रहने वाली है। साइड में आपका जो है वैनिटी रहेगा, स्टोरेज के लिए आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपकी सीट रहेगी, और यहाँ पर आपका शावर एरिया आ जाता है। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर वे में आपको बहुत ही प्यारी विंडो मिल जाती है। आप देख सकते हो वॉशरूम के अंदर भी बहुत प्यारे प्लांट्स लगाए गए हैं, मिनी प्लांट्स लगाए गए हैं। सो आप भी कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर आपको करवाना है तो करवा सकते हो। सो गाइस, ये देखा आपने हमारा फर्स्ट फ्लोर, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ। सो गाइस, आपने हमारा फर्स्ट फ्लोर तो देख लिया, अब हम आ चुके हैं हमारे सेकंड फ्लोर पे। सो सबसे पहले सेकंड फ्लोर में एंटर करते हैं, यहाँ पर हमारे गणेश जी को लगाया गया है, जो इस वॉल की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जैसे कि कहा गया है कि वक्रतुंड महाकाल या सूर्य कोटि समाप्रवण, सो ये पूरा घर इतना पॉजिटिव यहाँ पर रहने वाला है। और इसी के साथ अब हम आ चुके हैं हमारे सेकंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। सो आप देख सकते हो बेड बैक पे बहुत ही प्यारा कुशन वर्क आपको मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट तरीके से इसको तैयार किया हुआ है, गोल्डन वर्क आपको मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे यार गोल्डन वर्क इतना ज़्यादा क्यों किया हुआ है, यार घर ही इतना बड़ा गोल्डन वर्क के साथ तैयार किया है बंदे ने, तो गोल्डन वर्क तो करवाएगा ही करवाएगा। सो यहाँ पर बहुत ही प्यारा एलईडी पैनल आ जाता है, ग्रेइश थीम रहेगा, स्टैचूज बहुत प्यारे यहाँ पर लगाए गए हैं, और वुडन लुक के साथ जो है हमारा एलईडी पैनल तैयार किया हुआ है। स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छे ड्रॉज लगाए गए हैं, बुद्धा जी हमारे यहाँ पर बहुत प्यारे तरीके से जो है आराम कर रहे हैं। और हमारी ये वॉल आ जाती है, इस वॉल को बहुत ही प्यारे तरीके से एक पेंटिंग के साथ जो है डिज़ाइन किया है, एक बहुत ही डिसेंट सा लुक दिया है हमारी इस वॉल को, ताकि ये बेडरूम बहुत प्यारा लगे। और साइड में स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छे आपको जो है ड्रॉज मिल जाते हैं, लैम्प काफ़ी प्यारे लगाए गए हैं। फॉल सीलिंग की बात करूँ, सो आपका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिसेंट सा रखा गया है, लेकिन लाइटनिंग जो है इस फॉल सीलिंग को और भी ज़्यादा एलिगेंट बना रही है। सो अब हम चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। सो यहाँ पर हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है, यहाँ पर भी आपको ग्लास वर्क के साथ वार्डरोब मिल जाते हैं, यहाँ पर आपकी सीट आ जाती है, टाइल वर्क यहाँ पर भी आपको डिफरेंट मिलने वाला है, हर एक वॉशरूम का थीम डिफरेंट चूज किया गया है। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आपको विंडो मिल जाती है, यहाँ पर आपका शावर एरिया रहेगा, और फ्रंट पे आपका जो है वैनिटी आ जाती है स्टोरेज के साथ, स्टोरेज के लिए आपको काफी अच्छे ड्रॉर्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छी विंडो मिल जाती है मैश डोर के साथ, जहाँ से आपको प्रॉपर वे में लाइट एंड वेंटिलेशन मिल जाएगी।
यहाँ पर भी आपको एक बालकनी मिल जाती है आपके बेडरूम के साथ ही। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पर हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा वॉलपेपर हमारी बेड बैक पे लगाया गया है। एक प्यारा सा लाइक बहुत वाओ वाला लुक आ रहा है इस बेडरूम का। प्लस बेड का जो कलर चूज़ किया गया है वो हमारी वॉल से बहुत ही ज़्यादा जो है मैच कर रहा है। स्पेस काफ़ी अच्छी है, वुडन फ्लोरिंग तो और भी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर भी आपको बहुत ही प्यारा जो है विंडो मिल जाता है जहाँ से आपकी अटैच बालकनी रहने वाली है। व्यू बहुत प्यारा मिलने वाला है। सो हैवी लुक के साथ हमारे एलईडी पैनल को तैयार किया है। वाइट एंड गोल्डन कलर थीम चूज किया हुआ है हमारे एलईडी पैनल के लिए। सिटिंग के लिए बहुत ही प्यारा जो है टेबल एंड चेयर यहाँ पे लगाया है। ग्रेइश थीम के साथ तैयार किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर आप बहुत प्यारे तरीके से जो है अपनी चाय एंजॉय करने वाले हो। फॉल सीलिंग की बात करूँ तो कवर लाइट के साथ हमारी फॉल सीलिंग रहने वाली है। सो यहाँ पर हमारा अलग से ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, काफ़ी स्पेशियस रहने वाला है। वॉर्डरोब आपको बहुत ही प्यारे मिल जाते हैं ग्लास वर्क के साथ। अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको कवर लाइट के साथ फॉल सीलिंग मिल जाती है। सो अब हम चलते हैं हमारे वॉशरूम में। सो यहाँ पर भी बहुत ही प्यारी वॉशरूम में टाइल वर्क आपको मिल जाती है टॉप से लेकर एंड तक की रहेंगी। साइड में आपका वैनिटी रहेगा, सेंटर में आपको लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है, साइड में आपकी सीट रहेगी और उसी के जस्ट साइड ही आपका शावर एरिया आ जाता है। सो अभी तक आपने जितना भी हमारा विला देखा बहुत ही ज्यादा आपको प्यारा लगा होगा। सो एक और चीज रह रही है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी बुद्धा जी की पेंटिंग लगाई गई है। देखिए दो चीजें हो गई इस पेंटिंग के साथ। सो जो हमारे पेंटर है उनकी शोभा तो बड़ी ही बड़ी, साथ में हमारी दीवार की भी शोभा काफी ज्यादा बढ़ गई। सो यहाँ पर आपको देख सकते हो बहुत ही प्यारा जो है शैंडलियर का वर्क मिल जाएगा। शैंडलियर बहुत प्यारा और यूनिक सा लगाया गया है। ज्यादातर आपको इस तरीके के शैंडलियर जो है ना बार वगैरह में देखने को मिलेंगे। फॉल सीलिंग काफी अच्छी की गई है, कवर लाइट्स यूज की गई है, फोकस लाइट यूज की गई है एंड वुडन टच के साथ पूरा का पूरा हमारा जो है फॉल सीलिंग का वर्क रहेगा। अब आप सोच रहे हैं बार एरिया की बोला, सो यहाँ पर हमारा बार एरिया आ जाता है। देख सकते हो कि कितनी एलिगेंट तरीके से इसको तैयार किया है, आर्टिफिशियल ग्रास लगाया है और बहुत ही प्यारा डिजाइन चूज किया गया है। आप देख सकते हो वाइन की काफी अच्छी कलेक्शन रखी गई है। अब आप जस्ट इमेजिन करिए आप हो, आपके दोस्त हैं और यहाँ पर ड्रिंक्स ले रहे हो और अपनी जितनी भी बचपन की यादें हैं या जो भी टाइम आपने साथ में बिताया वो सारा इंजॉय करने वाले हैं इस बार एरिया में। प्लस यहाँ की भी फॉल सीलिंग वुडन वर्क के साथ रहने वाली है। लाइटनिंग काफी अच्छी यूज की गई है। आप जस्ट इमेजिन करिए आप इवनिंग में बैठे हैं, सो यहाँ से आपको एक प्रॉपर जो है ना लग्जरी फील आने वाली है। सो यहाँ पर आपकी बहुत ही प्यारी बालकनी आ जाती है जहाँ से आपको प्रॉपर वे में लाइट एंड वेंटिलेशन मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ तो सामने गुरुद्वारा है जहाँ से आप रोज अरदास कर सकते हो, व्यू एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे रूफटॉप की तरफ। तो दोस्तों अब हम हमारे रूफटॉप की तरफ आ चुके हैं। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सेटिंग अरेंजमेंट आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक लग्जरी लाइफ जीने वाले हो। सेटिंग बहुत प्यारी मिल रही है। सो दोस्तों इसके जस्ट सामने आपको बहुत ही प्यारा स्विंग मिल जाता है जहाँ पर आप आराम से इंजॉय कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारा शावर एरिया मिल जाता है। सो ओपन शावर आपको मिल रहा है। प्लस लग्जरी के लिए तो जकूजी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो वो कैसे हम मिस कर सकते थे। तो आपके लिए ओपन जकूजी भी आ जाता है। सो यहाँ पर आप पूरी इस विला के अंदर लग्जरी लाइफ जीने वाले हो। एक मास्टरपीस जो है यहाँ पर तैयार किया गया हमारे आर्किटेक्ट के थ्रू। सो गाइस ये देखा आपने हमारा बहुत ही प्यारा स्पैनिश विला, वो भी फुल्ली फर्निश। अगर आप इस विला को अपना बनाना चाहते हो सो जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करो और जल्द से जल्द इसे अपना बनाओ। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको आपके फोन में मिलते रहे। थैंक यू।